अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हमारी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम निकल रहे हैं आज घर के लिए। तो रास्ते में जो है यहाँ पर मुझे ये शॉप नज़र आई, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है विज़िट कर लेती हूँ। बट उससे पहले, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये शॉप जो है ना, आपको कुर्क के रास्ते में ही मिलेगा, मतलब कुर्क में ही है ये शॉप। तो मैंने सोचा जो है यहाँ पर मैं विज़िट कर लेती हूँ। मुझे ना इस तरह के शॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, यहाँ पर विज़िट करना जो है मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आती हूँ और देखती हूँ। और आपको पता ही होगा, ये सब जो है अभी मिट्टी का ही बना हुआ है। यहाँ पर कितने सारे शो पीसेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ही एंटिक पीसेस भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये फ्रूट्स एंड ऑल आप देख, सम फ्रूट्स जो है ना बहुत ही रियल लग रहे थे। एक्चुअली रियली सॉरी, मैं ठीक तरह से वीडियो बना नहीं सकी, बिकॉज अभी जो है सामने घाट सेक्शन है, तो हमें वो क्रॉस करना होगा। बिकॉज आपको पता ही होगा कि वहाँ पर ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो अंधेरा होने से पहले वो घाट सेक्शन जो है हमें क्रॉस करना है। तो इसीलिए ये बहुत ही जल्दबाजी कर रहे थे, तो मैं ठीक तरह से यहाँ का वीडियो नहीं बना सकी। और मुझे ये मिल चुका था एंड आई वॉन्टेड टू बाई दिस, और मैंने ये बाई किया। इसमें जब हम फिश बनाते हैं या चिकन करी बनाते हैं, तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा फिर से टेस्ट आता है। हाँ हाँ, देते थोड़ा। हैस ये दिल्ली में हैस। फिर लेटर यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा रोड जो है यहाँ पर हमें मिस हो चुका था, और उसकी वजह से बहुत ही लेट हुआ, और हम बहुत स्लो भी थे। लाइक हमने डिसाइड किया था कि हम रुक रुक के ही चलेंगे, ताकि जो है हम अभी इस टाइम बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ ना हो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे ना, तो लास्ट टाइम जब वो ड्राइव कर रहे थे, तो थोड़ी सी जो है उनको नींद आनी शुरू हो चुकी थी, तो उसकी वजह से जो है छोटा सा हादसा हुआ। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बारिश हो रही थी बिना मौसम के, और बिजली भी जो थी बहुत ही तेज़ थी। यहाँ पर हम आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो हमारा जो है हाफ गार्ड सेक्शन जो है ना वो क्रॉस हो चुका है, और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और यहाँ पर एक होटल था, तो हम यहाँ पर रुके हुए थे ताकि चाय नॉल हम पी सकें। आखिर बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम था, तो मैगी खाना तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर आकर जो है ना, यही होटल जो वहाँ पर हम कार में से देख रहे थे, तो ये इस होटल में जो है हम अंदर आ चुके हैं। तो मैंने मेरे लिए जो है मैगी ऑर्डर की हुई है, और बहुत ही ये मैगी जो है इतनी मज़े की थी, मौसम के हिसाब से तो ये मैगी जस्ट परफेक्ट थी। खाने रे
और ये ब्रेड एंड ऑमलेट भी जो है हमने मंगवाया था, और इसका टेस्ट मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़े का था। लाइक लिटरली इट वाज वेरी नाइस। मैगी भी बहुत ही अच्छी थी, ब्रेड एंड ऑमलेट तो बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में और इन्जॉय करने में। बाहर मौसम जो इतना प्यारा था, एंड फिर इसके साथ हमने यहाँ पर चाय कॉफ़ी एंड मंगवाया, लाइक बहुत ही अच्छा लगा। दो बच्चों का बाप है बुड्ढा, पांच बच्चों का बाप, पांच बच्चों का बाप है, 40 साल का आदमी है, अपने आप को 25 का बोलता है, 23 का बोलता है, 25 का भी बोलता है। तू कभी नहीं लगा आज? और यहाँ पर जो है हमारा टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है, और इतनी टेंशन हुई हमें, और यहाँ पर हम रुके हुए हैं लाइक, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली मस्जिद थी, तो हम यहाँ पर नमाज के लिए एक्चुअली रुके हुए थे, एंड सडनली जो है हमारा यहाँ पर टायर जो है वो पंक्चर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते कितनी ब्यूटीफुल सी जो है यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। तो एक्चुअली हम नमाज के लिए रुके हुए थे, बट सडनली जो है हमारा टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है। एंड यहाँ के गांव का नाम लाइक सूलिया इस गांव का कुछ नाम है। जो साइड हमारी कार पूरी डैमेज हुई हुई थी, तो वही साइड का टायर जो है ना अभी पंक्चर हुआ है। एंड दिस वाज द न्यू टायर, जब हमने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था तब न्यू टायर हमने लगवाया हुआ था, और वही टायर जो है ना अभी डैमेज हुआ पंक्चर हुआ है। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम यहीं पर जो है स्टे करेंगे, बिकॉज अब बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जो है तेज़ से लाइटनिंग हो रही है, एंड बारिश भी जो है वो बहुत थी, पर थोड़ी देर के लिए जो है अभी रुकी हुई है। एंड जो एक्स्ट्रा टायर थी हमारी डिक्की में वो ऑलरेडी डैमेज है, वही चेंज करके हमने ये नई वाली लगवाई थी। अब वो ले तो जहाँ पर जो है हमारा टायर पंक्चर हुआ था वहाँ पर ये शॉप थी, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और सामने ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती, तो यहाँ पर जो है ये इसका नाम है जनता रेसिडेंसी, और यहाँ पर हमें 2 रूम्स जो है ना वो मिल चुके थे, और फुल बाकी सारे फुल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर हमारा टायर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जनता रेसिडेंसी मैंने आपको बाहर से दिखा दिया था, तो यहाँ पर हमें ये रूम मिला विच वॉज अवेलेबल, और यहाँ पर एसी भी था, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये सेकेंड रूम था जो हमें मिला, और यहाँ पर भी एसी था विच वॉज रियली गुड, बिकॉज आपको पता ही होगा कि कितनी गर्मी है, और आफ्टर एक बारिश के बाद तो यहाँ पर बहुत ही गर्मी हो चुकी है। एंड बच्चे तो पूछो ही मत, इतना एंजॉय कर रहे हैं, उनको एक और जो है यहाँ पर मौका मिल गया एंजॉय करने का और साथ में टाइम गुजारने का। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड नीचे से जाकर ना अभी नाश्ता लेकर आए हुए हैं, ये था 2 शोरमा और फिर पराठास एंड चिलीज एंड ऑल ये सब लेकर आए हुए थे।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और रात में जो है आफ्टर डिनर हम सो चुके थे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन इज स्टिल स्लीपिंग एंड फिर मैं यहाँ पर वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड का, वो गए थे नीचे, मुझे मिल्क पाउडर चाहिए था और यहाँ पर ये नाश्ता लेके आए हुए हैं, बस पराठे थे और पराठे के साथ जो है ना ये चिकन ग्रेवी था एंड फिर जैन भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो उठ चुका है तो फटाफट से हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे फिर हम। प्लेट दे जा। दिया। बोला मुझे अमूल पाउडर ऐसे दिखे नहीं यहाँ कैंसिल हो गया। ओके दे जा। तो यहाँ से जो है ना अब हम निकल रहे हैं। और यहीं पर जो है मैं ब्लॉग को करूंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मेरा फ़ोन जो था ना वो डेड हो चुका था, तो इसीलिए खैर एनीवेज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।